जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन एक हिंदू और जैन त्यौहार है। वैसे देखा जाए तो रक्षाबंधन किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यह त्यौहार भाई और बहन के प्यार का त्यौहार है और इसीलिए इसे सभी धर्मों के लोग संपूर्ण भारत में पूरे जोश उत्साह के साथ, प्रेम के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष का त्यौहार नहीं है, ये तो भाई बहन का त्यौहार है। तो रक्षाबंधन श्रावण मास में मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब चूंकि ये श्रावण में यानी कि सावन में मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी भी कहते हैं और सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन कैसे शुरू हुआ, रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी क्या है, यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, ये जानकारी भी हम संक्षेप में आपके साथ शेयर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, बड़ा ही रोचक वीडियो बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे प्राचीन और पौराणिक कहानी से। ये बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था। बराबर की टक्कर थी, ना देवता पीछे हटे ना असुर पीछे हटे। तो ये युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो अंत में असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ही ली और देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तीनों लोकों को जीत लिया। अब तीनों लोकों पर असुरों का राज्य था। हारे हुए इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे सलाह मांगी कि अब क्या करें, अब तो हार चुके हैं। तब बृहस्पति ने उन्हें मंत्र उच्चारण के साथ रक्षा विधान करने के लिए कहा। बृहस्पति ने उन्हें बताया, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान का संस्कार प्रारंभ करो। और इस रक्षा विधान के दौरान मंत्र उच्चार से उन्होंने एक रक्षा पोटली तैयार की और उस रक्षा पोटली को मंत्रों से मजबूत किया। पूजा के पश्चात इस पोटली को देवराज इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, इंद्राणी ने इस रक्षा पोटली को देवराज इंद्र के दाहिने हाथ पर बांध दिया और फिर देवराज इंद्र ने असुरों पर आक्रमण किया और फिर इस रक्षा पोटली की शक्ति से उन्होंने असुरों को हरा दिया और अपना खोया हुआ राज्य तीनों लोक वापस प्राप्त किए। वर्तमान में ये त्यौहार भाई बहन के प्यार का पर्यायवाची बन चुका है। कहते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और गहरा करता है। एक ओर जहां भाई बहन के प्रति अपने दायित्व को निभाने का वचन देता है, वहीं दूसरी ओर बहन भी भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत उपवास रखती है। इस दिन जो बहन अपनी भाई की कलाई पर जो राखी बांधती है, वो सिर्फ रेशम का डोरा या धागा मात्र नहीं होता है, बल्कि वो एक अति पवित्र रक्षा सूत्र होता है, जो भाई बहन के अटूट और पवित्र प्रेम का बंधन होता है। रक्षा पोटली जैसी शक्ति भी उस साधारण से नजर आने वाले धागे में मौजूद होती है। इसके अलावा एक कहानी और है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तो खून निकलने लगा, खून की धारा बहने लगी। उस समय द्रौपदी वहां मौजूद थी। द्रौपदी से यह देखा नहीं गया, उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया राखी के रूप में। जैसे ही उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, खून बहना बंद हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस रक्षा सूत्र का कर्ज ऋण चुकाने के लिए, जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किया गया, तब श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया और वहीं से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चल निकली, यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार बना। इसके अलावा एक कहानी और है। एक बार राजा बलि रसातल में चला गया और तब बलि को महसूस हुआ कि भगवान को तो मेरे यहाँ पर होना चाहिए। और तब बलि ने हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या की, भगवान विष्णु की तपस्या की। पर जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने भगवान से दिन रात अपने सामने अपने यही महल में रहने का वचन ले लिया। अब भगवान वचनों में बंध गए, तथास्तु बोलना पड़ा। भगवान घर लौटे नहीं, क्षीर सागर में गए नहीं।
उधर माता लक्ष्मी परेशान कि भगवान तो वरदान देने गए, अभी तक लौट के नहीं आए, चक्कर क्या है। नारद जी से पता किया, बोले भगवान ने तो आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, वो तो वहीं रहेंगे, बलि के वहीं रहेंगे। तो भगवान के घर न लौटने से माता लक्ष्मी परेशान हो गई। तब नारद जी ने उन्हें एक उपाय बताया। नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि के पास जाओ, पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लो। माता लक्ष्मी ने वैसा ही किया और अपने पति भगवान विष्णु को बलि के यहाँ से लेकर अपने साथ आई। और उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी, और इस प्रकार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने लगी। चलिए अब बताते हैं आपको कि रक्षाबंधन के दिन इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सभी लड़कियां, महिलाएं पूजा की थाली सजा लेती है। वैसे तो आप सभी को ये चीज़ मालूम ही होगी, लेकिन जो दर्शक हमारे व्यूवर्स जो कि अन्य देशों से हैं, उनके लिए ये काफ़ी रोचक जानकारी होगी। तो प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजा लेती है। थाली में तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों को रखा जाता है, रोली और हल्दी रखी जाती है, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी रखे होते हैं। लड़के या पुरुष चकाचक तैयार होकर नए कपड़े, नए वस्त्र पहनकर तैयार होते हैं और फिर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। या तो पूजा स्थल के आसपास बैठा जाता है या फिर किसी अच्छे स्थान पर बैठते हैं, चौकी पर बैठते हैं, पाटे पर बैठते हैं। सबसे पहले अभीष्ट देवता की पूजा की जाती है, जो उनके घर के देवी देवता होते हैं उन्हें याद किया जाता है, उन्हें राखी बांधी जाती है। इसके बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका किया जाता है। बहनें पूर्ण प्रेम प्यार भाव से भाइयों को टीका लगाते हैं। हल्दी से या रोली से टीका लगाया जाता है और फिर चावल लगाए जाते हैं और सिर पर छिड़के जाते हैं थोड़े से चावल। फिर बहन अपने भाई की आरती उतारती है और फिर दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधी जाती है। राखी भाई की पसंद से बांधी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों के लिए है। और बहन फिर पैसों से न्योछावर करके उन पैसों को गरीबों में बांट देती है और फिर भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार या धन देते हैं। और इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के पश्चात भाई बहन आपस में साथ बैठकर भोजन करते हैं। प्रत्येक पर्व की तरह उपहारों और खाने पीने के लिए इस दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं। आमतौर पर दोपहर का भोजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रक्षाबंधन दोपहर में ही मनाया जाता है। तो इस तरह रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा किया जाता है। रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरे होने तक बहनों के द्वारा व्रत रखने की, उपवास रखने की भी प्राचीन परंपरा है। तो इस तरह से रक्षाबंधन मनाया जाता है। हो सकता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांत में रक्षाबंधन को मनाने का थोड़ा तरीका चेंज हो, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर इसी तरह से रक्षाबंधन को मनाया जाता है। आपके शहर में या फिर आपके राज्य में किस तरह से आप रक्षाबंधन मनाते हैं, हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर कीजिए, अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए कि आप रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं। जो भाई बहन दूसरी जगह पर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, यानी कि बहन की शादी हो जाती है, तो हो सकता है कि फिजिकल दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी हो, 100-200-500 किलोमीटर की दूरी हो, तो बहन हो सकता है कि रक्षाबंधन के दिन स्वयं बंधवाने के लिए या बांधने के लिए नहीं आ सके। तो ऐसी कंडीशन में बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन से पहले ही, कुछ दिन पहले ही, कुछ राखियाँ, कुमकुम, रोली, हल्दी और कुछ मिठाई के लिए पैसे इत्यादि, नारियल के लिए पैसे इत्यादि उस लिफाफे में डालकर अपने भाई को भिजवाती है। ये भी परंपरा है जो अभी वर्तमान में तो चल रही है, आगे भविष्य में क्या होगा पता नहीं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये कहानियाँ, छोटी छोटी सी कहानियाँ रक्षाबंधन से जुड़ी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।